मेरे पास बिल्लियाँ बहुत हैं और जितना हो सके उनका खाना पीना उनका इलाज होता है, और जैसे कोविड था तो राशन का इंसानों के लिए जिनकी भी जो ज़रूरत होती है, जो मैं मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स फिलहाल उनसे ही मैं एनजीओ चला रहा हूँ, बाकी मेरे पास कोई फंड्स नहीं है, कोई किसी के पास से कोई कॉर्पोरेट लेवल से या पॉलिटिकल लेवल से कोई हेल्प नहीं है। चैलेंजिंग तो लाइफ तो सबके लिए हुई है, मेरे लिए भी हुई है आफ्टर पैंडेमिक, बट लेकिन इट वाज अ वेरी गुड लेसन, बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइक दुनिया के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, एंड जितना अल्लाह ने मुझे साथ दिया मैंने किया अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश की, एंड डिप्रेशन में तो मैं भी गया था, मैं भी डिप्रेस हो चुका था, बट लेकिन अल्लाह ने साथ दिया, कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट की, एंड जितना मेरे को सुकून मिलता है, जब बोलते ना वो सलमान खान की फिल्म आई थी किक, व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, जब लोगों की मदद करना शुरू करते हो तो वो एक मेरा किक था। तो जहाँ से वो पैंडेमिक में हमने लोगों की मदद करना शुरू की, वहाँ से मेरे दोस्तों ने मेरे फैमिली ने एवरीबॉडी दे सपोर्टेड, एंड अल्लाह का शुक्र था उसके बाद से अभी तक कभी किसी के सामने हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे तो मेरे को लगा सामने देख के बोलो, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा ये जो पूरा एनजीओ मैं मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में सिर्फ मेरे खास लोग हैं, कुछ गिनती के दो तीन लोग बस वही लोग हैं, जैसे कि रोमा है, कनैना है, और बाकी दैट्स इट, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, वही है लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। हाँ मुझे खुद को पता नहीं, मैंने तो बॉक्स खोले नहीं है, बट आई होप कि मैंने सबको मना किया था कि आई डोंट लाइक, मतलब गिफ्ट्स मत लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे एवरीबॉडी इज़ गोना बी बिजी, जो शो को इन्जॉय करना है, एंड मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है, दिस इज़ माई स्वैग बेसिकली, समथिंग लाइक लोगों के सपने पूरे करने हैं, मेरी कंपनीज का नाम ही यही है, मेरी कंपनी का मोटोज यही है, स्वैग आइकन ऑफ इंडिया, मैं अगर क्या बोलते हैं ब्यूटी पैजेंट भी करूँगा तो वहाँ पे लोगों के सपने पूरे होंगे, यहाँ पे एनजीओ के अवार्ड्स करूँगा तो यहाँ पे भी आप देखोगे मैंने रैंप बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को मेरे साथ रैंप पे चलने का एज अ शो स्टॉपर, तो आई एम गोना फुलफिल देयर ड्रीम्स, एंड जितने भी मेरे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों ने इंसानियत और काइंडनेस दिखाई है थ्रू आउट पैंडेमिक और थ्रू आउट लाइफ, उन सबको मैं थैंक यू, बिकॉज माई लाइफ शुगर गुजार रह के गुजारता हूँ, तो उन सबको, मेरे जितने भी लोग हैं सबको यहाँ पे ट्रॉफी देके मैं सत्कार करने वाला हूँ, फेलिसिटेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप टॉप पॉलिटिशियंस देखोगे, टॉप डॉक्टर्स देखोगे, हार्ट सर्जन्स देखोगे, मतलब लॉयर्स देखोगे, तो और फिल्म स्टार्स में पता नहीं अभी अल्लाह के जाने कितने लोग हैं, मॉडल्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, काफ़ी लोगों को इन्वाइट किया है, एंड होप फॉर द बेस्ट, अगर बारिश ने कम होने का साथ दिया तो यहाँ पे पब्लिक का भरमार धमाकेदार होगा। एनजीओ का नामकरण मैंने कोविड में किया, लेकिन बचपन से मैं और मेरा भाई, हम लोग बचपन से मेरी माँ ने सिखाया कि कम से कम 2.5% अपने कमाई से निकाल देना, तो लाइक हम समझ लो अगर मैं 40+ हूँ तो मैंने मतलब 30 साल पहले तो ऑलमोस्ट लाइक हम लोग जब से कमाना शुरू किए, बट लेकिन हम लोग का फंडा अलग है, लाइक वी गिव मोर देन 10%, 20%, 25%, तो अभी तो जितना ज़्यादा हम लोग गुस्सा हो तो इसमें कुछ लिमिट नहीं है, कि इस लाइक वो हमारा एक्सपेंसिस ही हो गया, कि वी हैव टू फीड द कैट्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, या जो भी लोग ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करना है। आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान सामने से फ़ोन करके बोलेगा कि मेरे को आपके साथ जुड़ना है? देखो मैं ना बेशरम हूँ, मैं हार्ड ट्रूथ बोलता हूँ, आई एम नॉट अ फॉर्मल पर्सन, यहाँ पे कोई किसी के साथ नहीं आता जुड़ता है, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, अगर किसी को किसी के साथ जुड़ना है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए बेसिकली, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, हार्ड ट्रूथ वही है, अगर होता तो बात कुछ और होती। सी एनजीओ से मैं शुरू होकर मैं सिर्फ उस पर आ जाता हूँ आइकन के ऊपर, सी एनजीओ का ऐसा है कि लाइक बेसिकली मेरा फंडा ये है कि लाइक मेरा जो सपना है, आई वांट टू हैव ह्यूमन एंड एनिमल केयर सेंटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जवान बच्चे हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल चुके हैं, तो उनके लिए और एक अपना एक जो बेजुबान जानवर जो फुटपाथ पर रहते हैं उनका इलाज मैं कर सकूँ, उनको अच्छे से एक शेल्टर दे के रख सकूँ,
ये मेरा ट्राई करना है, मेरे को ये मेरा टारगेट है, मेरा ड्रीम है टू अप्रोच द सीएम, तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। और दूसरी बात, कमिंग बैक टू माय प्रोडक्शन हाउस, तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस अगले साल फिर आई एम गोइंग टू डू द वेब सीरीज। मेरा जो वीडियो कॉन्टेस्ट है उसके भी आप एवीज देखोगे यहाँ पे, अगेन लोगों के सपने पूरे करने उसमें, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट है। तो एक प्रोडक्शन हाउस है स्वैग आइकन ऑफ इंडिया, स्वैग एनजीओ फाउंडेशन जिसका आज इवेंट है, और स्वैग एंटरटेनमेंट इज द प्रोडक्शन हाउस जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन वैल्यू वी डू इट, एंड ऑल दिस कम्स अंडर मी, स्वैग बाय शब्बीर अली। ये जो लिखा हुआ पीछे इधर जो लिखा हुआ है सब कुछ, दिस इज मी, ये तो अपना स्टाइल है, अपना अपना स्वैग है। लोग कहते हैं ना कि लाइक क्या है, दिस इज मी, आई डोंट बिलीव इन कॉर्पोरेट थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटीज, आई बिलीव इन जैसे है वैसे इंजॉय करना लाइफ में। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर कमिंग हियर। अभी मेरे बात प्लीज़, मैं कुछ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कुछ खाओ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार शो स्टार्ट होगा तो फिर सब लोग बिजी हो जाओगे आपके काम, तो थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग कर लो। मोहितूस वहाँ पे रखे हुए, मोहितूस लेके स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड जस्ट लेट मी स्टार्ट एंड रोल।